हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जेट एग्ज़ाम को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट लेके आए हैं, जिसमें हम जानने वाले हैं जेट एग्ज़ाम 2020 का शेड्यूल के बारे में जानेंगे कि आपका कब एग्ज़ाम होगा, इसका नोटिफिकेशन यानी कि ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या है, इसकी काउंसलिंग कब से होगी, पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये नोटिफिकेशन कब यानी कि डाउनलोड यानी कि नोटिफिकेशन अपलोड हुआ था, कोटा यूनिवर्सिटी ने अपलोड कर दिया है 15/2020 यानी कि 15 फरवरी 2020 को ये अपलोड कर दिया गया था। अब बात करें यहाँ पे कि ऑनलाइन आवेदन, जेट के ऑनलाइन आवेदन है वो 16 मार्च 2020 को यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म बिना विलंब शुल्क ऑनलाइन जमा कराने की अंतिम तिथि है 25/4/2020, यहाँ पे आपकी लास्ट डेट होगी। अब बात करें यहाँ लास्ट डेट फॉर फिलिंग यानी कि ₹500 विलंब शुल्क के साथ में आवेदन भरने के यानी कि भरने और ऑनलाइन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि है 28/4/2020 है, यानी कि 25 तक फॉर्म अप्लाई होंगे और आपकी फ़ीस है वो 28 तक कर सकते हो। उसके बाद में जो आवेदन है उसमें एडिटिंग है या कोई भी सुधार है या कोई गलती होती है वो 30/4/2020 तक कर सकते हो। अब आपका जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड है वो 1/6/2020 को यहाँ पे एडमिट कार्ड मंडे को आ जाएगा और आपके जो एग्ज़ाम है वो 7/6/2020 यानी कि 7 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। अब बात करें यहाँ पर OMR शीट व उत्तर कुंजिका का प्रदर्शन है वो 14/6/2020 को यहाँ पर ऑनलाइन आपकी जो OMR शीट है वो दिखाई जाएगी। उसके बाद में आपत्तियों के लिए अंतिम तिथि हो जो इसमें यानी कि कोई भी क्वेश्चन पे आपकी आपत्ति है तो वो 16/6/2020 तक कर सकते हो। रिजल्ट की घोषणा है वो 23/6/2020 को रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। और ऑनलाइन जो ऑप्शनल फॉर्म है ऑनलाइन विकल्प फॉर्म का खोलना यानी कि 25/6/2020 को ऑनलाइन खुल जाएंगे। उसके बाद में ऑनलाइन विकल्प यानी कि आपकी लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट द ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म फीस 30/6/2020 तक आपकी ऑनलाइन फॉर्म है यानी कि काउंसलिंग की फॉर्म है वो करवानी होगी। ऑनलाइन विकल्प संपादन यानी कि लास्ट डेट होगी आपकी 1/7/2020 यानी कि 2 ही दिन आपकी चलेगी यहाँ पे। उसके बाद में पहली का जो फर्स्ट लिस्ट है एडमिशन की प्रोविजन लिस्ट है वो 6/7/2020 को यहाँ पे निकल जाएगी। उसके बाद में आवंटन व स्वीकार शुल्क जमा करवाने यानी कॉलेज के अंदर आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो सब जमा करवाने की डेट होंगे, 4 दिन दिए गए यहाँ पे 10/7/2020 तक आपका यहाँ पे दिया गया है यानी कि लास्ट डेट आपकी यहाँ पे फोरम की इसमें फर्स्ट काउंसलिंग की 10 होगी। उसके बाद में सेकंड काउंसलिंग है वो 13/7/2020 को निकल जाएगी और 16/7/2020 को यहाँ पे मिस्टेक से है 2020 तक आपकी सेकंड काउंसलिंग है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में थर्ड है वो 20/7/2020 को यहाँ पे तीसरी निकल जाएगी और तीसरी की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 23/7/2020 को तीसरी लास्ट यानी कि तीसरी लिस्ट है उसकी आवंटन हो जाएगा। उसके बाद में संबंधित कॉलेजों में आपकी रिपोर्टिंग है वो 5 बजे तक यानी कि 24 तारीख को फाइनल हो जाएगी। उसके बाद में जो सीट में कुछ वेकेंट सीटें होती है उसमें ऑप्शनल फॉरम होते हैं वो वापिस से स्पोर्ट काउंसिलिंग है वो इस तरह से होगी, पूरा इसमें जानने वाले हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी एग्रीकल्चर की ऑनलाइन कोई भी स्टडी मटेरियल जानना चाहते हो और एग्रीकल्चर लेटेस्ट जॉब पाना चाहते हो, इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑनलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए ऑप्शनल फॉरम है 29/7/2020 को यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट है 1/8/2020 तक आपके लास्ट डेट होगी। और अंतिम यानी कि फर्स्ट प्रोविजन लिस्ट है यहाँ पे 4/8/2020 को निकल जाएगी और ऑनलाइन फीस है डिपॉजिट आपकी करवानी पड़ेगी 6/8/2020 तक यहाँ पे करवानी पड़ेगी। और यहाँ पे रिपोर्टिंग आपको कॉलेज में 10/8/2020 तक यहाँ पे कॉलेज रिपोर्टिंग करवाएगा। अंतिम दूसरी सूची है यहाँ पे दूसरी है तीसरी सूची है वो 15 से लेकर यानी कि 17 तक यहाँ पे आपकी हो जाएगी, इस तरह से आपका 17 अगस्त को फाइनल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इतने सी अपडेट थी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर तारीख प्रणाली व किसी अन्य जानकारी परिवर्तन के लिए वेबसाइट देखते रहें और अन्य किसी प्रकार के परिवर्तनों का समय पर उम्मीदवार तक नहीं पहुँचने यानी कि पहुँचने के लिए जेट समन्वयक कार्यालय के जिम्मेदार नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल साइट पर ही विजिट करते रहना, कोई भी अपडेट आएगी बाकी आप लोगों को चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। तो इतनी सी अपडेट थी, मिलते हैं नई अपडेट नई न्यूज़ के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।